आंवला और सियासत को लेकर सुर्खियों में रहने वाले प्रतापगढ़ की पहचान अब अपराध से होने लगी है। अपराध का गढ़ बन चुके प्रतापगढ़ में एक बार फिर दबंगों के दबंगई ने जिले के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे दबंगों में अब खाकी का भी डर नहीं रह गया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां एक ठेकेदार पर ऐसा सनक सवार हुआ कि उसने दनादन इंजीनियर पर वार कर दिए, जिसके दबंगई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चलिए अब आपको पूरा वाकया समझाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दरअसल डीएम आवास से सटा हुआ सिंचाई विभाग का कार्यालय है। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे दबंग ठेकेदार अपने बेटे और दो अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और एसडीओ मुन्ना लाल पर जबरन भुगतान का दबाव बनाने लगा। एसडीओ के मना करने पर दबंग ठेकेदार आक्रामक हो गया। इस पर एसडीओ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने का प्रयास किया। इससे खार खाए ठेकेदार ने अपने बेटे और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर एसडीओ की जमकर पिटाई कर दी और कार्यालय में रखे फर्नीचर कंप्यूटर को तहस नहस करने के साथ ही अभिलेखों को भी नष्ट कर दिया। विभाग के लोग कुछ समझ पाते कि इससे पहले ही हमलावर फरार हो गए। डीएम कार्यालय के ठीक बगल हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी होते ही सीओ सिटी अभय पांडे पुलिस फोर्स के साथ सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे और पूरे घटना की जानकारी ली। एसडीओ मुन्ना लाल की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने नरेंद्र सिंह पुत्र काशी प्रसाद सिंह, सनी सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी पल्टन बाजार, दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जो है 2016-17 में जब हमारी यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तब ठेकेदार द्वारा बताया जा रहा है कि हमने काम कराया था जिसका भुगतान नहीं करा गया। तो हमारे पास ये कई मतलब 2-3 बार आए, तो हमने उनसे पेपर के लिए कहा कि आप पेपर लाइए कार्य के, हम भुगतान कर देंगे। उस समय के सहायक अभियंता द्वारा साइन और जेई द्वारा साइन किया हुआ पेपर होना चाहिए ताकि कार्य हुआ इसका हम सबूत हमारे पास रहे। तो ये हमारे ऊपर दबाव डलवा रहे थे, फ़ोन करवा रहे थे सब लोगों से कि हमारा भुगतान कर दिया जाए बिना उसके। हमारे मना किए जाने पे ये हमारे कार्यालय में आए। पहले तो ये हमारे साथ जो जबरदस्त किए, जब हमने मना किया तो हमारे ऊपर मारपीट किए, हमारे साथ भाई मारे, दोनों 3-4 लोग थे मिलके मारे। उसके बाद जो है बाहर निकले, कहें अब बाहर आओ, निकल के बताते हैं तुमको, हम जाने नहीं देंगे। वही घटना से आक्रोशित सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग की। राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री रमाशंकर तिवारी ने कहा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने को विवश हो जाएंगे। एनडीटीवी भारत के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।